टोंक जिला मुख्यालय पर नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन के अंतर्गत आज टोंक जिले में और पूरे जिले मुख्यालय के अंदर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और जो व्यक्ति बिना काम के बाजार में आ रहे थे अपनी गाड़ियों के साथ उनके साथ पुलिस ने डंडा बरसाया और साथ में उनको समझाइश भी की कि इस कोरोना वायरस को हराने के लिए आप लोगों का घर में रहना बहुत जरूरी है। इस स्थिति में जिला प्रशासन के जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, SDM व पूरा पुलिस जाब्ता साथ में रहा और उन्होंने मार्केट में अपनी गाड़ियों के साथ गश्त की। आज सरकार द्वारा अस्पतालों का समय सुबह 9 बजे से 3 बजे करने के कारण अस्पताल में काफ़ी भीड़ रही और कई वार्ड भरे हुए दिखे तथा उसके अलावा कई जगह सन्नाटा देखने को भी मिला। सुबह 10 बजते बजते पुलिस ने सबको अपने अपने घरों में भेजने की कोशिश की और जिला कलेक्टर द्वारा बताया गया कि कल से दुकान खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे किया गया है। लेकिन साथ में यह भी हिदायत दी गई है कि वह अनावश्यक भीड़ नहीं करें और दुकानों पे दूरी बना के रखें तथा अनावश्यक बाज़ार में घूमने की कोशिश नहीं करें। अगर वह बाज़ार में आते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनका वाहन जब्त किया जाएगा। इसी क्रम में सरकार द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा कई वाहनों को जो अति आवश्यक सेवाओं के अंदर आते हैं उनको पास जारी किए जा रहे हैं तथा कई दुकानों को खोलने के लिए भी पास बनाए जा रहे हैं। 21 दिन के लॉकडाउन के आह्वान के बाद आज टोंक जिला पूरी तरह से बंद रहा। पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद रहा है। अभी जिला कलेक्टर, SP, SDM सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरे जिले का दौरा किया जा रहा है और ये स्थिति देखी जा रही है कि कहीं पर किसी को कोई परेशानी नहीं हो। सुबह 7 बजे से लेकर अभी 12 बजे तक यहाँ पे बाज़ारों में किराना की दुकान, फल सब्जियों की दुकान वगैरह यहाँ खुली और पुलिस ने उनको आने जाने दिया, लेकिन वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी। और उसके अलावा पूरा प्रशासन अभी मुस्तैद है इस कोरोना वायरस को, बीमारी को रोकने के लिए। अभी तक टोंक के अंदर किसी भी प्रकार का सभी नेगेटिव केस आए हैं। अभी कोई भी टोंक में पॉजिटिव केस नहीं आया है और प्रशासन की ये इच्छा है कि ये सब अच्छा चलता रहे। धन्यवाद। और ब्रिजेश पेडवाल टोंक से।